11 अधिसूचित जिलों में टीजीटी शिक्षक की नियुक्ति मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। रांची के डोरंडा स्थित झारखंड हाईकोर्ट में 11 अधिसूचित जिलों में टीजीटी शिक्षक की नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। पार्थिव राजीव मिश्रा और अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। वहीं विज्ञापन संख्या 21/2016 की नियुक्ति प्रक्रिया में देरी के साथ 2019 में रिजल्ट जारी होने के बाद भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं होने पर अदालत ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग को सख्त निर्देश देते हुए 4 हफ्ते के भीतर कारण बताकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 5 मई को निर्धारित की गई है। मामला है कि 21/2016 में एडवर्टीजमेंट आई थी जिसमें टीजीटी हाई स्कूल टीचर की नियुक्ति के लिए सबको इनविटेशन मिला था। उसमें क्या हुआ था कि 13 जिला को नॉन शेड्यूल्ड डिक्लेयर कर दिया था बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नर। वो 13 जिला जो नॉन शेड्यूल्ड डिक्लेयर किया गया था झारखंड के, उसको चैलेंज हुआ था ऑनरेबल हाईकोर्ट में, जिसमें सोनी कुमारी बनाम स्टेट ऑफ झारखंड, जिस मैटर को फुल बेंच हमारे ऑनरेबल झारखंड हाईकोर्ट ने कॉश कर दिया था। और फिर वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गई थी, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने स्टे मांगा था, वो भी रिजेक्ट हो गया था। बचे शेष 11 जिला जो कि नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट प्रक्रिया में भी सरकार ने इनडायरेक्टली रोक लगा रखा था। और इवन दो रिजल्ट्स पब्लिश हो गए हैं, रिकमेंडेशन चली गई है, उसके बावजूद वहां पर नियुक्ति पत्र उन लोगों का जारी नहीं किया गया था। अब उसमें यह देखना था कि 11 नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में से गोड्डा और देवघर डिस्ट्रिक्ट में 2018 में ही अपॉइंटमेंट कर दी गई है, सैलरी बेनिफिट्स इंजॉय कर रहे हैं सारे अभ्यर्थी, लेकिन 9 जिले के साथ इस तरह का अन्याय क्यों हो रहा है और पिछले 3 साल से क्यों नहीं उनकी नियुक्ति पत्र जारी किए। इस मामला को ऑनरेबल झारखंड हाईकोर्ट जस्टिस एसएन पाठक ने बहुत ही सीरियसली लिया और रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग है, उनको डायरेक्शन दिया कि आप काउंटर एफिडेविट फाइल करिए और लिखिए कि क्यों नहीं नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो पा रही है, नियुक्ति पत्र जारी हो पा रही है, और ऐसा क्या कारण आ गया है कि आप नियुक्ति प्रक्रिया को आप अबेंस में रख दिए हैं। इवन दो सोनी कुमारी के जो जजमेंट था उसमें पैराग्राफ 66 में ये बात बहुत ही क्लियर कर दी गई थी कि 11 अनुसूचित डिस्ट्रिक्ट जो नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट है उसमें किसी तरह का कोई लीगल इम्पेडिमेंट नहीं है, किसी तरह का कोई रुकावट नहीं है, उनकी अपॉइंटमेंट प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है। तो यह मामला को सुनते हुए अगली सुनवाई 5 मई को निर्धारित की गई है और तब तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग को जवाब दाखिल करना है।